एक मेरे मित्र हैं कन्हैया आली, अभी जो गए हैं बोल के बाली जी, उनके बाद वो डायरेक्टर रहे SST कमीशन में। तो उन्होंने कार्यक्रम किया कनॉट प्लेस में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और मुझे इनवाइट किया। तो जब मैं गया तो मुझे लगा वहाँ एक वो किसी विशेष परिवार का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे माननीय रामविलास पासवान जी, अध्यक्षता करते रामलाल राही जी। तो जैसे मैं गया तो देखा भाई ये तो केवल पाछी समाज का कार्यक्रम है। रामविलास पासवान जी ने मुझे बैठे देखा और आयोजक को बुलाया कन्हैयालाल जी को, भाई ये परिंदा दायरे क्यों बुलाए हैं, ये तो गलत किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, ये तो वाकई गलती हुआ है। तो वहाँ जितने उन्होंने कहा ये तो इन्हें बुलाते ना, बुलाया है तो इन्हें मंच पर बुलाओ। तो मैंने कहा साहब मैं नहीं आऊँगा मंच पर, मैं नीचे बैठा हूँ। तो फिर कहा आपको बोलने के लिए मौका दिया जाएगा। तो उस कार्यक्रम में जो जितने स्पीकर आए उनका एक ही एक इशारा था, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की सुविधाओं से अगर किसी ने फायदा उठा तो केवल चमार ने उठाए। वो सारे चमार कामयाब हो गए, नौकरी में चले गए, राजनीति में चले गए, सारे स्पीकरों का ये कहना था। जब मेरा बोलने का नंबर आया तो मैंने कहा भाई तमाम विद्वान साथियों ने एक आवाज़ उठाई, एक चमारों ने फायदा उठाया है, तो मैं मानता हूँ क्यों उठाया, पर इसके गहराई में जाना चाहिए। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा है कोई दुख है, दुख का कारण भी है, उसका निवारण भी है, तो उसका कारण है ना, चमारों ही ने फायदा को उठाया है। तो मैंने जो बात रखी मैंने कहा इस देश में हम 33 करोड़ देवते तक पूजा करते आए, उन 33 करोड़ देवता ने एक व्यक्ति का कल्याण नहीं किया। अगर आज हम तरक्की में है तो बाबा साहब की वजह से और सतगुरु रविदास जी महाराज की वजह से हैं। कैसे हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, संपूर्ण देश के लिए काम किया, सभी अनुसूचित जातियों के लिए काम किया, पर चमारों ही तक नहीं तरक्की क्यों हो गई, इसका बड़ा टेक्निकल कारण है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले हमारे समाज में संत रविदास जी महाराज क्रांति कर चुके थे, उनकी क्रांति से हमारा समाज तैयार था। तो इस वजह से चमार तैयार थे और जातियां तैयार नहीं थी, वो डेन रविदास जी महाराज की है। तो जितना योगदान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है, उनसे पहले अगर योगदान हमारे समाज में हमारे देश में है तो सतगुरु रविदास जी महाराज का है। ये मैंने कहा, ये टेक्निकल बात। एक दो, चूंकि मुझे कम टाइम दिया है, एक दो टेक्निकल बात और कहना चाहूंगा। इस देश में मनवादी लोग एजेंडा देते हैं, सभी लोग उस एजेंडे को कोट करने के लिए भागते हैं, चाहे वो मानती के लोग हों, चाहे सुलकास्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो। जब भी मनवादियों को एजेंडा दिया जाता है उन्हें धूल चढ़ाते हैं हमारे महापुरुष। यह तो एजेंडा सतगुरु रविदास जी महाराज ने दिया था, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था, या काशीराम साहब ने दिया था। जब तक हम मनवादियों को एजेंडा नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और एजेंडा कैसा होता है, किसी भी समाज का प्राण तत्व होता है सिद्धांत। जब भी हम अपने महापुरुषों के सिद्धांतों से लापरवाही करते हैं, सिद्धांतों को छोड़ते हैं, तभी हम पतन को प्राप्त होते हैं। एक ये टेक्निकल बात है। एक और बात का एक बड़ी बात समाप्त करूंगा, वो सिद्धांत क्या है। मुझे देखने में लगता है, चूंकि मैं छात्र हूं, स्टूडेंट हूं अम्बेडकर मिशन का, मुझे लगता है हम अब एक एक महापुरुष को पकड़ कर बैठ गए। कोई केवल कबीर जी की बात करता है, कोई सतगुरु रविदास जी की महाराज करता है, कोई बुद्ध की बात करता है। अगर स्टडी करने में पता चलता है सभी महापुरुषों ने भेदभाव छुआछूत मनोवस्था के खिलाफ जंग लड़ी है, सबका दर्शन एक है। जब सबका दर्शन एक है तो हम किसी का अपमान क्यों करें, किसी को क्यों छोड़े। और हमें सीख लेनी चाहिए सिखों से। सतगुरु रविदास जी महाराज के टाइम पर गुरु नानक जब हुए हैं, गुरु नानक का जो दर्शन मिशन था उनके लोगों ने, अनुयायियों ने रामदास अमरदास अर्जुन देव ने आगे बढ़ाया। अर्जुन देव को लगा कहीं बात खत्म हो सकती है, तो उन्होंने आधार बनाया गुरु नानक को और उनके समकालीन संत महापुरुषों की वाणी लेकर गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। जब हमारे महापुरुषों का दर्शन एक है तो हम सतगुरु रविदास जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आधार बनाकर संपूर्ण बहुजन महापुरुषों के दर्शन का सिद्धांतिक ग्रंथ का संकलन क्यों नहीं कर सकते। मैं एक मिनट में सिद्ध करना चाहूंगा। तथागत बुद्ध ने यह कहा है कोई शक्ति, काल्पनिक शक्ति, कोई भगवान तुम्हें कुछ नहीं दे सकता जब तक तुम अपने लिए नहीं करोगे अपदीप हो। इसको सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, मन चंगा तो कोठ दीप गंगा, मणि पूजा मणि धूप। अगर गंगा में नहाने से कुछ होता तो मछलियों को कछुए को जाता, कछुए मछली गंगा में रहते हैं। इसी को कबीर साहब ने कहा, मन को निर्मल कीजिए जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरी फिर कहे कबीर कबीर। अभी काशीराम साहब ने सदा था अपने आपको, अभी जो लोग टिकट मांग रहे हैं, पैर रगड़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के सामने, क्या भगवान की देन है? वो काशीराम साहब की देन है। इसी बात को बाबा साहब ने कहा नहीं, करके दिखाया है। उन्होंने कहा है जुल्म करने वाले से जुल्म सहना वाला गुनाहगार होता है, अपने आप करना चाहिए। ऐसे ही अगर स्टडी की जाती है तो सारे महापुरुष ने एक बात कही। तो मेरा अनुरोध है
इसमें तमाम विद्वान लोग बैठे हैं, जितने संपूर्ण भारत के रविदासी संत हैं, मान्य पूज्य हितकारी साहब हैं, मेरे गुरु सतगुरु सुमनदास जी महाराज हैं, संत रंजन दास जी साहब हैं, जितने संत हैं रविदास जी समाज के, वो जितने उच्च कोटि के भिक्षु हैं, वो जितने कबीरपंथी संत हैं, वो सभी लोगों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी बनानी चाहिए और बना के एक अपना धर्म ग्रंथ का संकलन हो, और हमें अपने पुरखों के धर्म में वापसी करनी पड़ेगी। जो बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब को लगने लगा था जीवन के आखिरी क्षणों में, अगर मेरी ये संविधान सुधावसाइए चपरासी लेकर कलेक्टर तक बन जाए सुलकाश सारे, और ये प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन जाए, सारे गांव के प्रधान सुलकाश, सारे एमपी सुलकाश, सारे विधायक सुलकाश, सारे मंत्री, सारे गवर्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी, पर जब तक ये हिंदू धर्म की विदेशी के गुलाम रहेंगे, इनका जाति के आधार पर शोषण होता रहेगा। अगर हम गुलाम है, शोषित है, तो हम हिंदू धर्म के गुलाम है। बाबा साहब को, रविदास जी को मानते हैं, हमें अपने पुरखों के धर्म में पुनर्वापसी किए बगैर कोई आंदोलन हमें बचा नहीं सकता। इस वजह से सारे लोगों को इकट्ठे हो गए, हमें रविदास जी महाराज के और बाबा साहब के धर्म में वापसी करनी ही चाहिए। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। बोलो संत सुन सुख रविदास जी महाराज की जय। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।